ठीक है चलो। सो गाइस हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए, हमने प्रोग्राम्स देखे, हमने ईफेल्स का यूज किया, अलग अलग प्रोसेसिंग की, ठीक है, वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए, ठीक। बट द थिंग इज ये सारा का सारा डेटा एक बार जावा का प्रोग्राम प्रोसेस कर लेता है एंड ये सारा का सारा रैम में से उड़ जाता है, पूरा का पूरा डेटा गाइस रैम में से उड़ जाता है। एंड फिर से हम प्रोग्राम लिखते हैं अलग से तो फिर से न्यू वैल्यूज वहां पर आती है और ये डेटा कहीं पर भी परसिस्ट नहीं रहता, सारा का सारा वोलाटाइल है, वो उड़ जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है अभी ऐसे केस में जहां पर आपको डेटा प्रोसेस करने के बाद और डेटा क्रिएट करने के बाद उसको हमने कहीं ना कहीं सेव करके रखना है, कहीं ना कहीं तो भी सेव करके रखना है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं गाइस परसिस्टेंस, उसी चीज को क्या कहते हैं परसिस्टेंस, मतलब चाहे वो आप फाइल में स्टोर करके रखो या फिर डेटाबेस में स्टोर करके रखो, ठीक। सो इन दिस प्रोफेशनल सेशंस हम लोग इस जो जो भी आपका डेटा है उसको हम एक फाइल में स्टोर करके रखेंगे गाइस, एंड जब आपका एडवांस जावा रहेगा उस केस में हम JDBC का यूज करके ये सेम डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करके रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम पोस्टग्रे या फिर MySQL डेटाबेस का यूज करेंगे अपने पर, ठीक। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट सम ऑब्जेक्ट, ठीक है, वी आर गोइंग टू क्रिएट सम ऑब्जेक्ट एंड द डेटा ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टोर इन फाइल सिस्टम, वी आर गोइंग टू स्टोर इन फाइल सिस्टम। तो आप अगर अपने के डेस्कटॉप पे कर रहे हो इन वेल एंड गुड, अगर आप यहाँ पर कर रहे हो कोड स्पेसेस में देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको फाइल सिस्टम का एक्सेस होना चाहिए इस केस में। सो आई वुड रिकमेंड कि आप कहीं ना कहीं कोड स्पेसेस या फिर लोकल सिस्टम पे करो, बट ऑनलाइन GDB, ठीक है, और जो आपका प्रोग्रामिंग है वहां पर शायद ये प्रॉपरली मतलब हमें आउटपुट ना दे क्योंकि हमें फाइल्स के साथ खेलना है, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया क्लास बना देंगे पहले, ठीक है, VS कोड में जाके एक क्लास बना लेंगे फाइल बनाते हैं फिर से परसिस्टेंस डॉट जावा कंट्रोल बी एंड यहाँ पर क्लास बना लेते हैं, मेन नाम दे देते हैं क्लास को एंड यहाँ पर मेन मेथड बना देंगे एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू गिव सम आउटपुट। हेलो परसिस्टेंस, ठीक है, कंट्रोल जे, सॉरी कंट्रोल जे एंड नाउ इसको क्लियर करते हैं, CD स्पेस जावा प्रो, पहले से अपने RDH, मेरा लेटेस्ट फाइल यहाँ पर है, व्हाट प्रोग्राम है वो ऊपर, ओके जावा बेसिक्स में ही मैंने बना दिया तो नो इशू, वहां पर जाके ही रन कर देंगे बाद में मिलता हूँ। सो MV स्पेस डॉट डॉट स्लैश यहाँ पर ओके परसिस्टेंस जावा बेसिक एंड वहाँ पर परसिस्टेंस इसको मैं करंट फोल्डर में बोलता हुआ, ठीक। अब यहाँ पर ओपन करते हैं जावा बेसिक की जगह ओपन फोल्डर जावा प्रो, ठीक है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस है, जस्ट वो ओपन कर रहा हूँ एक सेपरेट फोल्डर जावा प्रो, यहाँ पर जावा प्रो की सारी फाइल्स शो कर रहा है, इनहेरिटेंस नहीं हमें चाहिए परसिस्टेंस। कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो ओपन द टर्मिनल, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे जिस फाइल को मूव करने के लिए। नाउ लेट्स कंपाइल दिस जावा सी स्पेस परसिस्टेंस, कंपाइलेशन एकदम प्रॉपरली हो गया, ओके एंड जावा स्पेस मेन फाइल को रन करते हैं, इट इज शोइंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, वो भी कौन से क्लास का, इट्स ए एम्प्लॉय क्लास बनाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास बनाते हैं, क्लास एम्प्लॉय, और सबसे पहले तो क्लास बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, एंड यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेते हैं, दो से ज्यादा नहीं, सिर्फ दो ही वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से इंटीजर उसका EMP ID, ओके एंड स्ट्रिंग में नेम ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में नेम ले लेते हैं। अब हम एक कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप
कोड का यूज कर सकते हो गाइस, यहाँ पर आप कोड का यूज कर सकते हो, वीएस कोड, या फिर आप इक्लिप्स पे यूज कर रहे हो तो वहां पर भी सोर्स कोड का यूज कर सकते हो। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सोर्स एक्शन, ठीक है, सोर्स एक्शन, वीएस कोड में ये ऑप्शन है सोर्स एक्शन, एंड जैसे आप सोर्स एक्शन पे क्लिक करते हो तो यू कैन सी यहाँ पर गेटर, सेटर्स, टू स्ट्रिंग, ये सारे के सारे मेथड्स अवेलेबल है, ठीक है, गेटर, सेटर्स, टू स्ट्रिंग वगैरह मेथड्स अवेलेबल है। तो इसमें से हमने कंस्ट्रक्टर को यूज करना है, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के पे ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको चेकबॉक्स क्लिक कर दीजिए, तो ये दोनों एलिमेंट्स के साथ ये क्या करेगा, आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके आपको दे देगा, ठीक है। इन केस आपके बहुत सारे वेरिएबल्स है उस केस में ये काफी जरूरी है गाइस, ठीक। नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर गेटर्स और सेटर्स भी आपने बना के रखने हैं, ठीक है, गेटर्स और सेटर्स भी आपने बना के रखने हैं। हम क्या करेंगे, फिर से सोर्स एक्शन में जाएंगे, फिर से सोर्स एक्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स यहाँ पर दे रहा है, तो जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, सोर्स एक्शन, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, ओके, नॉट श्योर व्हाई इट इज नॉट गिविंग मी दैट ऑप्शन नाउ, ओके, लेट्स ट्राई टू क्रिएट टू स्ट्रिंग मेथड, ओके, टू स्ट्रिंग मेथड के लिए ये मुझे ऑप्शन दे रहा है, सो आई एम ओवरराइडिंग एंड, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं गाइस यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट प्रॉपरली बन रहा है या ठीक। यहाँ पर मैं एम्प्लॉय E1 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय कर देते हैं, जिसमें वैल्यूज भी जाएंगे, वन यहाँ पर एक नेम डाल देते हैं, लेट्स से प्रदीप, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रदीप, एंड इसको मैं जस्ट प्रिंट करके देखना चाहता हूँ, ठीक, तो यहाँ पर एस आउट में हम प्रिंट करेंगे E1 को, तो E1 ऑब्जेक्ट को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, E1 ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट करता हूँ तो ये टू स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ भी है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, टू स्ट्रिंग के अंदर की मेथड के अंदर जो भी है वो प्रिंट कर लेगा गाइस, ठीक है, आप देख सकते हो, इसको हम कंपाइल करके रन करेंगे तो एम्प्लॉय E1 इस तरह से ये प्रॉपरली शो कर रहे हैं, ठीक, तो ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एम्प्लॉय E1 के जैसा, एम्प्लॉय E2 भी बना लेते हैं एंड उसको भी प्रिंट करके देखते हैं, टू एंड यहाँ पर नेम डाल देते हैं अंश, ठीक है, एंड E2 को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं गाइस, जावा सी परसिस्टेंस, तो दोनों के दोनों ये ऑब्जेक्ट एज इट इज प्रिंट करते हैं, फिलहाल ये स्क्रीन पर ही प्रिंट होने चाहिए गाइस। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ट्राई द सेम एग्जाम्पल ऑन योर सिस्टम, प्लीज ट्राई द सेम एग्जाम्पल ऑन योर सिस्टम, अगर ऑटोमेटिक कोड जनरेट नहीं हो रहा है तो मैन्युअली टाइप कीजिए, ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा कोड हमने लिखा नहीं है, प्लीज ट्राई इट ऑन योर सिस्टम एंड दोनों भी ऑब्जेक्ट अगर बन जाएंगे तो बोथ ऑब्जेक्ट्स डन, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स डन, ऐसा आप मैसेज दे सकते चैट बॉक्स में, जस्ट टू गिव द कंफर्मेशन, ट्राई कीजिए गाइस, जस्ट दो ऑब्जेक्ट बनाए एम्प्लॉय क्लास के।
गाइस, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस प्रोग्राम को डायनेमिक बनाएंगे। मैं क्या चाहता हूँ कि यूजर से इनपुट पूछा जाए एंड उस पर्टिकुलर यूजर का रिकॉर्ड वहां पर स्टोर हो, ठीक है। मतलब E1 के अंदर यूजर से हम इनपुट ले, तो मैं यहाँ पर एक स्कैनर ले लेता हूँ, स्कैनर SC न्यू स्कैनर, एंड यहाँ पर लिख देते हैं system.in। ओके, system.in कर देंगे, एंड इसको मुझे इम्पोर्ट करना जरूरी है स्कैनर को, तो इम्पोर्ट java.util.scanner, java.util.scanner, एंड यूजर से अभी इसने इनपुट पूछना चाहिए, इसके लिए नेम के लिए, ठीक। हम क्या करेंगे यहाँ पर .out.println, println की जगह printf कर देते हैं, सेम लाइन में उसने पूछना चाहिए, ठीक है। एंटर और यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू फिर से sc.next, नेक्स्ट लाइन कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि ये नेम यहाँ पर अभी प्रॉपरली शो कर रहा है, ठीक है, इसे एक वेरिएबल के लिए नेम, और यहाँ पर नेम 1 कर देता हूँ, इसको Ctrl J, लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस प्रोग्राम। कंपाइलेशन में देखते हैं कोई एरर आता है, यहाँ एरर, रन करते हैं एंड यू कैन सी एंटर एम्प्लॉय नेम, ये इनपुट पूछ रहा है, फिर से यहाँ पर प्रियांत लिख देते हैं, तो यहाँ पर अभी प्रियांत का रिकॉर्ड जा रहा है, ठीक। फिर से रन करता हूँ तो किसी और का रिकॉर्ड डाल देते हैं, फिर से रोशनी, तो रोशनी का रिकॉर्ड जा रहा है, ठीक। मतलब ऐसा डायनेमिकली कोई भी रिकॉर्ड जा सकता है, बट प्रोग्राम चल रहा है मेरा, ठीक है। सिमिलरली हम नेम 2 के लिए भी ले लेते हैं, ठीक है, नेम 2 के लिए भी ले लेते हैं, यहाँ पर नेम 2 के लिए नेम 2 वेरिएबल एंड अंश की जगह यहाँ पर नेम 2 लिखना है, ठीक है। इस तरह से सेकंड रिकॉर्ड यहाँ पर चलेगा, एक बार इसको भी टेस्ट कर लेते हैं गाइस, जावा सी परसिस्टेंस मेन, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं नेम 1, यहाँ पर डाल देता हूँ नेम 2, तो ये दोनों भी नाम है प्रॉपरली अभी ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है। इतना चेंज कीजिए एंड डायनेमिक नेम डन, इफ इट इज डन फ्रॉम योर एंड देन डायनेमिक नेम डन, इतना आप चैट बॉक्स में जस्ट शेयर कर दीजिए।
डोंट फॉरगेट टू इम्पोर्ट दी जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर गाइस, तो वो स्कैनर इम्पोर्ट नहीं करता, मतलब यूज डायनेमिक नेम डन, इट इज डन। वेरी गुड। जैसे अभी डायनेमिकली कोई भी डेटा आ सकता है, जैसे इट इज नॉट लाइक हार्ड कोडेड कि हर बार जब मैं फाइल रन करूंगा तो एक ही जैसा डेटा, कोई भी डेटा आ सकता है, ठीक, जो हम इनपुट देंगे वो डेटा आ सकता है। उसी को अभी हमने क्या करना है, हमेशा के लिए स्टोर करके रख देना है किसी ना किसी फाइल के अंदर और डेटा बेस के, वही चीज हम देख। दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ डालने से पहले हम क्या करेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे एंड उसी को हम फाइल में स्टोर करके रखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अभी लोकली एक डेटाबेस के लिए फाइल बना देता हूँ, लेट से यहाँ पर माय जावा डॉट डीबी, ठीक है, माई जावा डॉट डीबी। आप किसी भी एक्सटेंशन से फाइल बना सकते हो, इसको क्लोज करके रख देते हैं सो दैट इट शुड बी एक्सेसिबल बाय ओनली आपका जो जावा प्रोग्राम है उसी से वो एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक। अभी क्या करना है, यहाँ पर फाइल, ठीक है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, एक तरह से हम हमारे ऑब्जेक्ट को आउट करना चाहते हैं किसी फाइल के अंदर, ठीक। तो ये क्या बोलता है, FOS इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम एंड इट इज सेइंग कि मुझे आप फाइल का नाम दो जहां पर भी वो डेटा स्टोर करके रखना है, कोई भी डेटा हो वो स्टोर करके रखना है, उस फाइल का नाम मुझे यहाँ पर पास करके। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में फाइल नेम लिख देते हैं, ठीक है, जिस फाइल में स्टोर करना है, एंड वो मेरे फाइल का नाम है माई जावा डॉट डी, ठीक है, माई जावा, यहाँ पर लिख देते हैं माई जावा डॉट डी। ओके, नाउ इसी वेरिएबल को यहाँ पर यूज कर लेते फाइल में। ओके, नाउ वी नो ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है वो किसी ना किसी एक्सटर्नल रिसोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये पर्टिकुलरली सिर्फ इसी जावा के ऊपर नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या एरर आ रहा है, ये कुछ ना कुछ एरर दे सकता है गाइस, शायद परमिशन का एरर, फाइल नॉट फाउंड, किसी भी तरह का एक्सेप्शन आ सकता है, तो हम उसको सप्रेस कर देते हैं बाय यूजिंग क्लोज एक्सेप्शन, ठीक है, ये सप्रेस करके रख देते हैं, मतलब हम कोडर ही है, हमारे तरफ से कोई इशू नहीं आएगा इसलिए हम इसको सप्रेस करके रखते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे हम, यहाँ पर जैसे फाइल आउटपुट स्ट्रीम फाइल से कनेक्टेड है वैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम OOS शॉर्ट फॉर्म, न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और ये मुझे बोलता है कि मुझे ऐसा पैरामीटर दो जो एक्चुअली फाइल से बात करेगा, ठीक है, जो एक्चुअली फाइल से बात करेगा। तो फाइनली OOS डॉट, अगर मैं राइट ऑब्जेक्ट करता हूँ तो राइट ऑब्जेक्ट बोलता है कि मुझे अभी ऑब्जेक्ट दो जो एक्चुअली फाइल में स्टोर करना है, जो एक्चुअली फाइल में स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पर E1 लिख देता हूँ एंड वी कैन सेव द प्रोग्राम, वी कैन सेव द प्रोग्राम। तो थोड़ा सा भी फ्लो में दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर वो क्या रहा होगा, सबसे पहले OOS, ठीक है, फाइल इनपुट सेम, हमारी एक फाइल है जिसका नाम है माई जावा डॉट डीबी, ठीक
है, माई जावा डॉट डीबी। ठीक, अब इसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जो कि जावा में बना हुआ है। ठीक, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को क्या कर दिया मैंने, ये फाइल का नाम दे दिया जो कि इससे लिंक हो जाएगा। ठीक, अब मुझे एक्चुअली ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एंड उसको ये वाली फाइल ऑब्जेक्ट स्ट्रीम की वैल्यू पास कर दे रहा हूँ, FOS। ठीक है, FOS ये पास कर दे रहा है। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू कैन से कि ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम कनेक्ट कर रहा है फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम एक्चुअली बात कर रहा है आपके माई जावा डॉट डीबी फाइल के नेम के साथ। ठीक, नाउ नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके वी आर राइटिंग समथिंग दैट इज E1 ऑब्जेक्ट का डेटा, ये जाएगा एक्चुअली यहाँ के थ्रू यहाँ से और ये चले जाएगा यहाँ पर एक E1 नाम का ऑब्जेक्ट स्टोर करने। ठीक है, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर E1 नाम का ऑब्जेक्ट स्टोर करके रख देगा। ठीक है, अब इस चीज को एक बार रन करके देखते हैं एंड लेट्स सी कि ये प्रॉपरली रन हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, प्रॉपरली रन हो भी, तो मैं यहाँ पर इसको एज इट इज सेव कर देता हूँ, सेव करके एंड कंट्रोल J प्रेस करता हूँ। पहले तो कंपाइल करेंगे एंड देन रन करते, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना ही ना, एंड ये यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ये क्या बोल रहा है कि आप एम्प्लॉय का जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको मैं डेटाबेस में या फिर फाइल में डालने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय का जो भी डेटा है, ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट में स्टोर करने के लिए रेडी हूँ, बट इट शुड बी सीरियलाइजेबल, इट शुड बी सीरियलाइजेबल। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही है, अननेसेसरी कुछ टैब्स वगैरह आ रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ये कैसा सीरियलाइज हो जाना चाहिए, एक सीरियलाइज हो जाएगा, सीरियल सीरीज में आ जाएगा, तब मैं इसको फाइल में सेव कर सकता हूँ। तो वो सीरियलाइजेबल करने के लिए इस क्लास को मुझे सीरियलाइजेबल अगर करना है, सो आई शुड राइट इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल। ठीक है, आई शुड राइट इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल, तो इम्प्लीमेंट्स कर दिया, इसका मतलब देखो जावा डॉट आईओ से सीरियलाइजेबल इम्पोर्ट हो गया। नाउ वी आर रेडी टू इंसर्ट दिस डेटा इनटू द फाइल, नाउ वी आर रेडी टू इंसर्ट दिस डेटा इनटू द फाइल, क्योंकि वो सीरियलाइज होके फिर डेटा फाइल में स्टोर हो सकता है। ठीक, तो एक बार फिर से रन करके देखते हैं गाइस, कंपाइल करते हैं, चलो कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया, रन करके देखते हैं। रन करने के टाइम इसने इनपुट नेम पूछा और ये स्टोर हो गया है, शायद ये स्टोर हो गया है, तो एक बार जस्ट मैं कैट करके माई जावा डॉट डीबी में चेक कर लेता हूँ कि कुछ स्टोर हुआ है क्या। आप देख सकते हो वहां पे एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है जिसके अंदर शैलेश वगैरह ऐसा कुछ तो भी आउटपुट भी चले गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको रीड करना है। ठीक है, इसको रीड करना है जस्ट टू कंफर्म कि ये सेम डेटा वहां पर गया है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका एग्जैक्टली अपोजिट, इसका एग्जैक्टली अपोजिट बनाएंगे। फाइल आउटपुट स्ट्रीम का अपोजिट क्या हो जाएगा गाइस, फाइल इनपुट स्ट्रीम, मतलब हम फाइल से डेटा रीड करें। ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इक्वल्स न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, एंड इसमें भी सेम किस फाइल से डेटा मुझे उठाना है वो चीज देखना है, तो फाइल नेम यहाँ पर मैं दे देता हूँ, एंड सेकंड हो जाएगा फिर आपका ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम जैसा था, आउट मतलब राइट करने के लिए, तो इन मतलब रीड करने के लिए, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। ठीक, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम OIS इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, एंड इसमें मुझे फाइल इनपुट स्ट्रीम का जो भी नाम है ऑब्जेक्ट है वो पास करना पड़ेगा, एंड फाइनली फाइनली ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम डॉट, अगर मैं रीड ऑब्जेक्ट करूंगा, अगर मैं रीड ऑब्जेक्ट करूंगा तो वहां का डेटा जो भी है, वहां का जो भी ऑब्जेक्ट है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये डेटा है कौन से टाइप का गाइस, ये है एम्प्लॉय टाइप का, ये एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक, इक्वल्स टू, ठीक है, तो रीड ऑब्जेक्ट करने के वक्त वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एम्प्लॉय का ही है, बट अगर मुझे वो एम्प्लॉय का है ऐसा बताना है तो यहाँ पर टाइप कास्ट करके आपने रख देना है। ठीक है, आपने उसको टाइप कास्ट करके रख देना है, तो एम्प्लॉय हम क्या बोलेंगे कि OIS डॉट रीड ऑब्जेक्ट, मतलब जिस फाइल से भी डेटा आ रहा है वो एम्प्लॉय टाइप का ही रहेगा,
एंड देन ओबीजे के अंदर वो अवेलेबल हो जाएगा। हमें पता है कि एस आउट में अगर ओबीजे करता हूँ, एस आउट अगर ओबीजे करता हूँ तो वो शैलेश का डेटा उसने मुझे स्टोर किया हुआ दिखाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अभी मैं ये इनपुट नहीं लेने वाला हूँ, अभी मैं ये यूजर से इनपुट नहीं लेने वाला हूँ, मैं जस्ट फाइल के अंदर जो भी चीज है सिर्फ उसको रीड करने वाला हूँ, जो फाइल के अंदर है एज इट इज उसको रीड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक बार फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन टाइम पे कोई एरर नहीं आया। अब यहाँ पर इसको रन करते हैं एंड यू कैन सी शैलेश का ही जो डेटा है जो मैंने स्टोर किया था वही प्रॉपरली यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है? वही प्रॉपरली यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसको दो पार्ट में हमने करना है गाइज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अंडू कर देता हूँ फाइल इनपुट स्ट्रीम वाला को, और आप सिर्फ डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है उतना चेक कीजिए एंड उसके बाद हम रीड भी करेंगे, ठीक? तो जो एम्प्लॉय टू वाला जो डेटा था उसको आप कमेंट कर दीजिए उतने पार्ट को, और सिर्फ इतना पार्ट अपने सिस्टम में रखिए, ठीक है? इतना पार्ट सिर्फ अपने कोड में रखिए, ठीक है? ट्राई कीजिए प्लीज। फाइल नेम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम एंड देन राइट ऑब्जेक्ट, जो भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा उसको राइट कीजिए, ट्राई कीजिए एंड एक्सेप्शन आने दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्शन आने दीजिए, आपका सीरियलाइजेबल का अगर एक्सेप्शन आता है तो आने दीजिए एंड देन उसको सीरियलाइजेबल इंप्लीमेंट कीजिए। यू आर डन, देन राइट डन, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स राइट डन, राइट ऑब्जेक्ट डन। जस्ट स्किप दैट पार्ट, लाइन नंबर 21 में जो भी आपका थ्रोज एक्सेप्शन है वो जस्ट सप्रेस कर रहा है। कोई भी एरर अगर आपको आता है इस प्रोग्राम के अंदर तो उसको मुझे ट्राई कैच डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको वो जावा अपने लेवल पे हैंडल कर लेगा। और हम एज अ कोडर अभी इसको यूज कर रहे हैं तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि वहां पर फाइल अवेलेबल रहेगी ही रहेगी, और कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो उसको मैं देख लूंगा, ठीक है? मुझे यूजर को ऐसा मीनिंगफुल मैसेज देने की जरूरत नहीं, ठीक है? वी आर जस्ट सप्रेसिंग, क्योंकि हमें मेन कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम या फिर परसिस्टेंस वाला जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान देना है, मैं एक्सेप्शन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो यू कैन राइट एनी वेयर, आपको जहां पर भी कंसेप्ट अगर क्लियर करना है तो वहां पे उस फंक्शन को थ्रोज एक्सेप्शन डाल दीजिए तो वो सप्रेस कर लेगा, आपको एक्स्ट्रा ट्राई कैच देने की जरूरत है, ठीक? एक्सेप्शन को वो हैंडल कर, यूजर के लेवल पे अगर जाता है तो हाँ हमें ट्राई के अंदर ही लिखना पड़ेगा, ये पूरा पार्ट ट्राई के अंदर लिखना पड़ेगा एंड कैच में ये भी लिखना पड़ेगा समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज चेक फाइल इज अवेलेबल और नॉट, प्रेजेंट और नॉट, परमिशन इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है? तो वो चीज हमें नहीं करनी थी, हमें जस्ट फोकस करना है फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है? ट्राई कीजिएगा इस। हमें अगर फाइल के अंदर डेटा डालना है तो देर आर टू ऑब्जेक्ट्स वी नीड टू यूज। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि हमें ऑब्जेक्ट डालना है, तो ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम ऐसा एक हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कनेक्ट करेगा आपके फाइल के साथ, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम में व्हाट आई नीड टू पास, आई नीड टू पास फाइल आउटपुट स्ट्रीम, आई नीड टू पास फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम
ये क्या है, ये एक्चुअली आपके फाइल से बात करेगा, ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम आपके फाइल से बात करेगा, एंड ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम फाइल आउटपुट स्ट्रीम से बात करेगा। तो ये E1 जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम से हम E1 ऑब्जेक्ट को राइट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम के पास जाएगा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम बोलेगा कि किस फाइल में डालना है, तो हमने ये पास कर दिया है कि माई जावा डॉट डीबी के अंदर ये फाइल, ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डेटा इस फाइल के अंदर पास कर, ठीक है। आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में देख सकते हो, जो भी ऑब्जेक्ट E1 ऑब्जेक्ट है मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो ये जाएगा आपका ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू फाइल में, और वो फाइल ऑब्जेक्ट फाइल आउटपुट स्ट्रीम में, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम इवेंचुअली बात कर रहा है आपका माई जावा डॉट डीबी फाइल के साथ। तो इस तरह से ये टू लेवल में एक फाइल के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आप वैसे फाइल आउटपुट स्ट्रीम में डायरेक्ट डेटा अगर पास करना है तो डायरेक्ट डेटा भी पास कर सकते हैं, बट कैसे, हमें ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट ही स्टोर करने चाहिए हमारे डेटाबेस या फिर फाइल के अंदर। उसको मैं शॉर्ट में कैसे लिखते हैं ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को, उसको भी बता मैं दिखा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सेपरेट सेपरेट लाइन में लिखा हूँ, अदरवाइज वो एक लाइन में भी एडजस्ट हो जाएगा। आप जस्ट फाइल को ओपन करके, ओपन नहीं करना है जनरली, बट आप कैट कमांड से, अगर इफ पॉसिबल तो कैट कमांड से वो माई जावा डॉट डीबी फाइल के अंदर चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कुछ कंटेंट आए हैं या नहीं आए। आपको आप जो नाम लिख रहे हो वो नाम स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो वो दिख जाता है एज इट इज। ठीक ऑब्जेक्ट राइट डन, अगर आपका डेटा वहां पर प्रॉपरली शो कर रहा है, मतलब तो प्रॉपरली नहीं, वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रहेगा, आपका डेटा एटलीस्ट राइट हुआ या नहीं हुआ उतना अगर हो गया होगा, तो ऑब्जेक्ट राइट ऑब्जेक्ट डन, ऐसा चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे। हर बार अलग अलग डेटा में डाल सकते, ठीक, रन करने के लिए। सेम फोल्डर में आपकी सेम लेवल पे आपकी फाइल होनी चाहिए, माई जावा डॉट डीबी या फिर कोई भी नाम से आप फाइल बना सकते हो, टीएक्सटी भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं। फाइल में जाके भी चेक कर सकते हो डेटा है, फाइल इज नॉट डिस्प्ले, ठीक है, कैट में ही दिखेगा, ये बाइनरी फाइल है इसलिए डायरेक्शन। आपने फाइल, जो भी फाइल में आप जिस भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट किसी ना किसी क्लास से बना होगा, और उस पर्टिकुलर क्लास को आपने सीरियलाइजेबल देना चाहिए, ठीक है। वो क्लास अगर सीरियलाइज क्लास है तो ही आपका फाइल में डेटा स्टोर हो सकता है उस ऑब्जेक्ट का, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल,
एंड ये सारे के सारे पैकेजेस आपको इंपोर्ट भी करना है, ठीक, सभी के सभी चीजें आपको इंपोर्ट भी करनी है। कुछ हम इम्पोर्ट कर देंगे तो प्रॉपरली आपका कोड रन हो जाएगा विदाउट एनी इश्यू। डेटा आपका स्टोर हो गया होगा एंड अभी रीड करेंगे उसको। फाइल में जितने चाहे उतना डेटा स्टोर करके रख सकते हो। आपको एक्चुअली जो आपका मिनी प्रोजेक्ट है वो उसी के बेसिस पर रहेगा, फाइल में डेटा स्टोर करके वहां से रीड करके। सो भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतना जो पार्ट है इसको मैं टॉप पे रख देता हूँ और उसके बाद बाकी की चीजें मैं कमेंट करके रख देता हूँ, ठीक। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम रीड करेंगे, ठीक है, हम रीड करेंगे डेटा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, मतलब फाइल को रीड करने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम, FIS इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। एंड यहाँ पर मुझे फाइल का नाम पास फाइल, ठीक है, किस फाइल से डेटा रीड करना, ठीक। अब फाइल के अंदर जो डेटा है वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम भी मुझे लगेगा, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो OIS इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम और इसमें मैं फाइल इनपुट स्ट्रीम को पास कर दूंगा, ठीक। नेक्स्ट थिंग, मुझे OIS.read करना है उस ऑब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको रीड करना है। बट जब मैं रीड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि वो एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉय टाइप का ही ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, तो मैं एम्प्लॉय टाइप OBJ नाम से ऑब्जेक्ट बना दूंगी। एंड आई एम सेइंग कि जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उस फाइल में से, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको आप टाइप कास्ट करके एम्प्लॉय में दे दो, एम्प्लॉय में दे दो, सो दैट आई कैन यूज एम्प्लॉय का OBJ, ठीक है, टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स, ठीक। यहाँ पर मैं एस आउट लिखता हूँ, एस आउट लिखता हूँ एंड OBJ, OBJ ऐसा प्रिंट करके देखते हैं कि प्रॉपरली वो पर्टिकुलर जो आपने ऑब्जेक्ट सेव किया था वही शो कर रहा है। यहाँ पर फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, मेन रन कर रहा हो तो प्रॉपरली वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। ऐसा रीड करने का एक कोड लिखेगा इसमें, रीड करने का ट्राई, तो आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं रीड डन, ठीक है, अगर आपको सेम वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो आपने सेव किया था।
वेरी गुड, सेम डेटा दिख रहा है गाइस, ठीक है, जो आपने राइट किया था वही डेटा दिख रहा है आपको रीड करने पर, कैसा वो परसिस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो हमेशा के लिए वो वहां पर वो फाइल में स्टोर नहीं। चलो सेम डेटा दिख रहा होगा तो वेल एंड गुड। नाउ एक लास्ट पार्ट देख लेते हैं गाइस, कि लेट से अभी तो ये एक ही एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करके रखता है, ठीक है, एक ही एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करके रखता है। व्हाट आई वांट कि इसने मोर देन वन एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करने के रखना चाहिए, ठीक है, मोर देन वन एम्प्लॉयज का डेटा इसने स्टोर करके रखना चाहिए। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा जहां पर मैं एक से ज्यादा एम्प्लॉय स्टोर करके रख सकता हूँ, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा जहां मैं एक से ज्यादा एम्प्लॉयज को स्टोर करके रख सकता हूँ। तो वो कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले वो लिस्ट कैसे बनाएंगे जिसमें मैं एक से ज्यादा एम्प्लॉय स्टोर करके रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर LIST लिस्ट, ठीक है, कलेक्शन का ये पार्ट है, LIST लिस्ट, ठीक है, तो EMPS नाम से एक लिस्ट बना देता हूँ, ठीक, एंड न्यू एरे लिस्ट यहाँ पर दे दूंगा, एंड आई वुड से ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ पर देने की जरूरत नहीं, हमें लेफ्ट साइड में भी दे दिया तो भी चल जाएगा, एम्प्लॉय की लिस्ट। ओके, अब लेट्स से लिस्ट को मुझे इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, तो जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट वहां से इम्पोर्ट करना है। अब एरे लिस्ट को भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो कंट्रोल स्पेस एंड एरे लिस्ट को जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट से इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है कि वहां पर वन बाय वन मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, EMPS डॉट एड, ठीक है, EMPS डॉट एड, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय ही एड करने दे रहा है, तो मैं यहाँ पर एक न्यू एम्प्लॉय डायरेक्ट विदाउट एनी सेपरेट वेरिएबल, मैं डायरेक्ट न्यू एम्प्लॉय ऐसा एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर वन डालता हूँ, शैलेश हार्ड कोडेड वैल्यू, ठीक है, वैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट पे डाल देंगे हम यहाँ पर टू, एंड तीसरा ऑब्जेक्ट पे ऐड कर देंगे उसी लिस्ट के अंदर, ठीक है, जिसका ID 3 रख देते हैं, एंड ओके, एंड इसको अभी स्टोर कर दिया, फाइन। नाउ स्टोर मतलब एम्प्लॉय EMPS के अंदर ही रख, ठीक, अब इस EMPS को हम प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, एस आउट दैट EMPS, ठीक, EMPS एंड कंट्रोल, बाकी ये नीचे की चीजें मैं कमेंट करके रख देता हूँ, इसको बाद में यूज करूंगा। सेव, कंट्रोल जे, परसिस्टेंस, चलो ये प्रॉपरली हो गया, एंड नाउ रन द प्रोग्राम। तो ये Employee 1, Employee 2, Employee 3 तीनों का डेटा इस लिस्ट के अंदर स्टोर है गाइस, ठीक है, कलेक्शन के थ्रू हमने इसको स्टोर करके, मतलब EMPS के अंदर स्टोर करके रख दिया, ठीक है। जस्ट ट्राई दिस वन गाइस, इतना पार्ट ट्राई कीजिए अपने सिस्टम पे, ठीक है? हम एक से ज्यादा एम्प्लॉयज का डेटा एक लिस्ट के अंदर, एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करने के लिए आप लिस्ट के बाद ऐसा कंट्रोल स्पेस दे देना, तो वो इंपोर्ट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर भी एरे लिस्ट के बाद कंट्रोल स्पेस दे देंगे तो वो एरे लिस्ट भी इंपोर्ट करने के लिए आ जाएगा। ट्राई कीजिएगा जितना बार।
है, परसिस्टेंस वाला पार्ट तो हो गया है आपका, ठीक है। ये जस्ट मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर स्टोर करने हैं तो आप कैसे स्टोर कर सकते हो। आपको जस्ट परसिस्टेंस के लिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर दिया है और रीड कर दिया, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। दिस पार्ट इज लाइक द एक्स्ट्रा स्टफ। तो आप इन फ्यूचर अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज का डेटा, मोर देन वन एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर, स्टिल ट्राई करो आप, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सारे तो आपको समझ में। एक एक करके हमने 3 एम्प्लॉयज, चैट बॉक्स में आप कंफर्मेशन के लिए EMPS सॉरी लिस्ट डन ऐसा आप देख सकते हैं, लिस्ट डन। वेरी गुड, एक तरह से ये कलेक्शन का पार्ट है। मतलब कैसा, जो वर्जन आया था जावा का सेकंड वर्जन, तब से ये पार्ट आया है। अदरवाइज पहले एरे में ही स्टोर करके रखते थे, बट कलेक्शन में बहुत सारी चीजें आपके डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसका यूज करके हमने मोर देन वन एम्प्लॉयज का डेटा हमने लिस्ट नाम के, ठीक है, लिस्ट के अंदर स्टोर करके रखते हैं। और लिस्ट का नाम है, लिस्ट वेरिएबल का नाम है EMPS। ठीक है, टू स्ट्रिंग की वजह से वो टू स्ट्रिंग में जो कुछ रहेगा वो सारी चीजें यहाँ पर शो करेंगे, ठीक। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस लिस्ट ऑब्जेक्ट को, ये है मेरा लिस्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम अपने फाइल के अंदर स्टोर करके रखेंगे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्या बोलता है, पहले तो मुझे फाइल आउटपुट स्ट्रीम दे दो बोल रहा है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि मुझे राइट करना है FOS इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, एंड यहाँ पर फाइल का नाम पास करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस फाइल के अंदर एक्चुअली ये डेटा स्टोर करना है। देन ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट आउटपुट आउटपुट स्ट्रीम ये बोलता है कि हाँ मुझे वो ऑब्जेक्ट दो जो फाइल के साथ बात करने वाला है। तो ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम एंड FOS एक्चुअली हमारे एक्चुअल फाइल के साथ बात करने वाला है। देन OOS ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर लिख देंगे हम उस लिस्ट का नाम जो हमें स्टोर करके रखा है। इसको करते हैं सेव, फिर से कंपाइल करते हैं एंड पहले कैट करके देख लेते हैं। पर्टिकुलरली हमारे माई जावा डॉट डीबी के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। अब फिर से रन करते हैं हमारा मेन प्रोग्राम एंड फिर कैट करके देखते हैं उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, ठीक है। शैलेश, प्रदीप, ऐसा अंश, ऐसा अलग से कुछ सेपरेट बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस लिस्ट को ऐड करके रख देना है, ठीक है। इतना पार्ट गाइस ट्राई कीजिए, इतना पार्ट ऐड कीजिए अपने कोड में, राइट डन।
ठीक है, वंस दिस इज डन यू कैन से राइट द। तो मैं एक से ज्यादा डेटा भी स्टोर करके रख सकता हूँ, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट स्टोर करके रख सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक इंस्टेंस बनाया जो कि फाइल से बात करेगा, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का एक इंस्टेंस बनाया जो कि ऑब्जेक्ट्स को राइट करेगा। ठीक, ऑब्जेक्ट्स को राइट करेगा एंड वो राइट करने के बाद वापस सेव करो। ठीक, नाउ नेक्स्ट थिंग व्हिच इज द फाइनल थिंग वी आर गोइंग टू डू इज रीडिंग दैट एम्प्लॉइज लिस्ट फ्रॉम दैट फाइल। ठीक, रीडिंग दैट एम्प्लॉइज लिस्ट फ्रॉम दैट फाइल। अभी देखो मैं सेव वाला कोड को हटा दिया, अभी हम सिर्फ इनपुट करेंगे। ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम एफ आई एस इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम और यहाँ पर कर देंगे फाइल का नाम। ठीक है, फाइल का। ठीक, सेकंड मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम ओ आई एस इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम एंड एफ आई एस। ठीक है, एंड देन यहाँ पर कर देते ओ आई एस डॉट रीड ऑब्जेक्ट। अब रीड ऑब्जेक्ट जो कर रहे हैं हम वो एम्प्लॉइज नाम का। ठीक है, इस तरह से वो क्या बनेगा, अपना ऑब्जेक्ट बनने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, लेट से ई एम पी एस इक्वल्स टू, ठीक है, ई एम पी एस इक्वल्स टू, बट मुझे उसको टाइप कास्ट भी करके रखना पड़ेगा। तो ये इस टाइप का डेटा आने वाला है ऐसा हम बोल देते हैं इसको। ठीक है, ईएमपी इक्वल्स टू इस टाइप का डेटा आने वाला है ऐसा बोल देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, स्काउट और ईएमपी ऐसा रख देते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं इसी क्या एरर आ रहा है। अनचेक कास्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट लिस्ट ऑफ एम्पल्स। ओके, ट्राई करते हैं इसको, लिस्ट ठीक ओके चलेगा। ये एक जस्ट वार्निंग दे रहा है, बट हम चेक करते हैं कि एग्जैक्टली मेरा डेटा एटलीस्ट आ भी रहा है। तो एक बार करते हैं कंपाइल फिर से सिस्टम को, अनचेक फाइन दैट इज फाइन। ठीक है, वो वार्निंग को इग्नोर करते हैं और जस्ट चेक करते हैं कि मेरा डेटा शो कर रहा है। तो ये मुझे प्रॉपरली डेटा शो कर रहा है जो भी मेरा डेटा डेटाबेस में है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा इस प्लीज अपने एंड पे वाला पार्ट ट्राई कीजिए, पूरा कोड आपको ओपन करके रख देता हूँ, आउटपुट स्ट्रीम वाला पार्ट भी ट्राई कीजिएगा इस प्लीज एंड रीड डन। ठीक है, वंस दिस इज डन यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स रीड।
तरह से गाइज हमारा डेटा जो है वो परसिस्ट हो जाएगा, मतलब हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। ठीक है, इवन इफ आई डिलीट माय कोड, अगर इन फ्यूचर में दूसरा कोड लिख के रीड करना चाहो तो भी मुझे दिख सकता है। एक लास्ट चीज दिखा देता हूँ, जस्ट वो कलेक्शन का पार्ट है गाइस। फाइन, ऑनलाइन में मैंने जैसा कहा कि हर एक चीज रन नहीं होगी, आपको सिस्टम लेवल पे ही ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट इसको प्रिंट करने के लिए एक दूसरा तरीका जो है फॉर ईच का यूज करके, वो कैसे करते वो देख लेते हैं। emps.forEach, ठीक है, emps.forEach, और यहाँ पर आई थिंक एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, लेट्स से ई, एंड देन इसके अंदर हम प्रिंट कर सकते हैं एस आर। ठीक है, मतलब ए लैम्डा फंक्शन बोलते हैं इसको, लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक, और ई, तो मैं वन बाय वन ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ चीजों को। यहाँ पर आके मैं अगर प्रिंट करना चाहता हूँ जावा सी परसिस्टेंस, ओके, कंपाइल करके देखा तो ये वन बाय वन शो कर रहा है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम अगर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसको पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये राइटली एक मेथड ही बना देते के साथ ट्राई करता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, और मैं यहाँ पर अभी ई डॉट सिर्फ नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ, सिर्फ नेम। यहाँ पर सेव करते कंट्रोल जे परसिस्टेंस, कंपाइल कर लेते हैं नेम, अभी सेम एक्सेप्शन लोकल क्लास इनकम्पेटेबल स्ट्रीम्स रियलाइजेबल, ओके, चलो अभी गेट से ही करके देखते हैं, मतलब तो मैं गेटर मेथड बना के देखता हूँ। राइट, सोर्स जनरेट गेटर्स फॉर बोथ ईएमपी आईडी एंड नेम, ओके, सेव कर देते हैं, और यहाँ पर एंड ई डॉट गेट नेम, ठीक है, तो सिर्फ नेम वहाँ पर प्रिंट करना चाहिए, चीज ट्राई करते हैं परसिस्टेंस, ओके, स्टिल इट इज शोइंग सम एरर, जावा डॉट इनकम्पेटिबल स्ट्रिंग सीरियलाइजेशन एक्सेप्शन, ओके, चलो। और ई के साथ अगर मैं ट्राई करता हूँ, ई के साथ अगर मैं ट्राई करता हूँ, इट इज शोइंग, इट इज स्टिल नॉट शोइंग मी एनी डेटा, ये एक बार रीड कर लिया इसलिए ऐसा कर रहा है। तो एक काम करते हैं, फिर से एक बार राइट कर लेते हैं पहले, कंपाइल, राइट, ओके, एंड नाउ ट्राई टू रीड। तो ये भी प्रॉपरली मुझे शो कर रहा है, ठीक, और मैं अगर यहाँ पर ई डॉट गेट नेम करता हूँ, सिर्फ नेम उसने प्रिंट करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कंपाइल एंड रन, तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ नेम प्रिंट कर रहा है, नथिंग एल्स, ओके। तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हो गाइस। ये लास्ट वाला पार्ट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आपको सिर्फ फाइल में डेटा राइट करना और रीड करना, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल यू आर डूइंग परसिस्टेंस वाला कंसेप्ट क्लियर करना है। तो ये दो चीजें हम, एक सिंगल ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर करते हैं वाला पार्ट आपने समझना है, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर करते हैं वो वाला पार्ट आपने समझना है, ठीक है। ये फाइल तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, नॉट नो नीड टू वरी, बट आप ये वीडियो को बार बार देखना, एंड जब आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है यू कैन मेक यूज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, अगर रीड करना है तो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोड का ठीक है, बट आपको कंसेप्ट समझ में आएगा इसकी परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर इतना क्लियर है तो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स दैट परसिस्टेंस कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, क्योंकि कोड तो आप वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक जर्नी, आप जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है।
अंश, मैं रेकमेंड करूंगा कि ये फाइल सिस्टम में ट्राई करना, अगर आप अपने लोकल सिस्टम पे अगर कर रहे हो तो बेस्ट है, बट इफ नॉट आप ऑनलाइन ये जो है कोड स्पेसेस में भी इसको ट्राई करके देख सकते हो। फाइन, मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा एंड वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी इफ यू हैव लाइक सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। और नेक्स्ट सेशन में, अभी फाइनल सेशन जो हमारा है थ्योरी वाला, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंसी, जिसमें हम मल्टी थ्रेडिंग बहुत अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, एंड ऑल्सो वी विल सी कि मल्टी थ्रेडिंग बाई यूजिंग लैम्बडा फंक्शन या फिर रनेबल के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी चीज देखेंगे। और इनहेरिटेंस आपका हो गया है तभी हम कॉन्करेंसी या फिर मल्टी थ्रेडिंग देख सकते हैं। ओके, विदाउट इनहेरिटेंस वी कैन नॉट जंप इन टू दैट थिंग। ओके, चलो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। और आप अगर वीडियो देख रहे होंगे, या आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द वेरी न्यू वीडियो। ओके, एंड तब तक के लिए बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।